नमस्कार, मणिगुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में खास तौर पर हम चर्चा करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। इस बार भी दरों में कोई बदलाव आरबीआई की तरफ से नहीं किया गया है। इनफैक्ट लगातार 9वीं बार ऐसा हुआ है जब दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब लो इंटरेस्ट रिजीम में आपको अपने निवेश स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। आपके ईएमआई पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या लो इंटरेस्ट यानी कम ब्याज दरें आपके लिए फायदेमंद है, किसके लिए फायदेमंद है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव करने हैं, इसी पर रहेगी आज हमारी चर्चा। हमारे साथ है हर्षवर्धन रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर्षवर्धन, आपका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले आज के शो में क्या है खास, जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे ब्याज दरें नहीं बदलने का क्या पड़ेगा आप पर असर, कम ब्याज दरों के दौर में कहां मिलेगा फायदा, बैंक एफडी से बेहतर कहां मिलेगा रिटर्न, साथ ही जानेंगे इक्विटी में निवेश के लिए कौन सी कैटेगरी है बेहतर। हर्षवर्धन, जैसा अनुमान लगाया जा रहा था इस बार भी आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी में इनफैक्ट दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्या खास आपको इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में लगा, स्पेशली जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जस की तस बनी हुई है? अभी आवाज आ रही है आपको? माइक टेस्ट। जी जी बताइए हर्ष। वन स्वाति, आपकी आवाज मेरे पास आ नहीं रही थी। ओके, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी हर्ष, हम आपको अब अच्छे से सुन पा रहे हैं कि आरबीआई पॉलिसी पेश हुई लेकिन दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, आपके लिए आरबीआई पॉलिसी की खास बातें क्या रही, स्पेशली जब लगातार 9वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है? बस साथी, अगर हम देखें आरबीआई ये क्लियरली देख रहा है कि इन्फ्लेशन पे यू नो प्रेशर है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है वो लेवल से ऊपर है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने हम देख रहे हैं कि दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और इनफैक्ट अगर हम देखें कि अभी जो दर है जो रेपो रेट है वो 4% पे है और रिवर्स रेपो जो है 3.35% पे है, ये इसी पे रखा गया है कि उन्हें अभी भी नॉर्मल सी जो मनी सप्लाई की नॉर्मल सी है वो मार्केट में अभी तक आई नहीं है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने आज की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया, लेकिन आगे जाते हुए हम ये बदलाव देख सकते हैं। ओके, तो मतलब आगे ऐसा अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि लगातार 9वीं बार ऐसा है जब बदलाव नहीं किया गया, मतलब आने वाले समय में शायद कम तो ना सही लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के पूरे संकेत नजर आ रहे हैं। यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा एक बेसिक ज्ञान दर्शकों के लिए हर्षवर्धन आपकी तरफ से, रेपो रेट क्या होता है और किस तरीके से ये एक आम जो ग्राहक है, एक आम कंज्यूमर है, उसकी लाइफ पर असर डालता है? स्वाति, अगर हम देखें तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब आरबीआई से बोरो करती हैं, सो आरबीआई से ये पैसे बोरो करते हैं और फिर वो आगे जाके लेंड करते हैं, सो रेपो रेट वो है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को लेंड करता है और ये पैसे बैंक आगे जाते हुए वो कंज्यूमर्स को लेंड करते हैं। तो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करना है मार्केट में तो वो रेपो रेट मान लीजिए बढ़ा देता है। जब वो रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक्स बोरो उतना ही कम करती हैं क्योंकि उन्हें लेंडिंग रेट्स बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से आरबीआई मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है। अगर मनी कोई रिसेशनरी फेज है मान लीजिए और चाहती है आरबीआई की बैंक ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में सर्कुलेट ज्यादा हो, तब रेपो रेट घटा दिया जाता है ताकि और बोरोइंग हो और मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है वो सर्कुलेट हो। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिकअप करती हैं, तो यही इम्पैक्ट एसेंशियली रेपो रेट का है और रेपो रेट के जरिए आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ओके, तो रेपो रेट कैसे आपकी जिंदगी पर असर डालता है, हर्षवर्धन ने बहुत बखूबी हमें समझाया है। ब्याज दरों का और ईएमआई का आपस में कनेक्शन समझना भी जरूरी है क्योंकि जब भी आरबीआई की पॉलिसी आती है सबसे पहले जिन लोगों ने ईएमआई ले रखी है, जिनकी ईएमआई चल रही है, वो काफी दिलचस्पी दिखाते हैं कि इस बार उनके लिए क्या खास होने वाला है। लेकिन लगातार इस बार भी पिछले 8 बार के तरह कोई बदलाव नहीं हुआ, क्या इसका मतलब हम ये समझें कि जिन लोगों की ईएमआई भी चल रही है गाड़ी की, घर की, उसमें कोई बदलाव बिल्कुल नहीं होगा? जी हाँ स्वाति, अभी क्योंकि हमने देखा कि
कोई भी रेट में बदलाव नहीं हुए हैं, तो आगे जाते हुए अभी जैसे आपको पता होगा कि ये MCLR जो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट जो है ये लिंक कर दिया गया है आपके रेपो रेट के साथ। तो जैसे और ये RBI ने क्यों किया, ये इसी कारण किया कि जो भी पॉलिसी रेट है वो ट्रांसमिट हो एंड बोरोअर के लिए। तो अभी क्योंकि रेपो रेट के कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो ये आप देखेंगे कि जो भी बोरोअर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, जो फ्लोटिंग रेट है वो आपका कोई भी चेंजेस उसमें नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जो MCLR का जो फॉर्मूला है उसमें रेपो रेट का जो जो इम्पैक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है, और उसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, लेकिन रेपो रेट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है कि इंटरेस्ट रेट जो MCLR में कैसे चेंजेस होंगे। तो आपने सही कहा कि क्योंकि अभी हमने देखा कि चेंजेस नहीं हुए हैं, जो बोरोअर्स हैं होम लोन बोरोअर्स हैं, ऑटो लोन में तो अक्सर ऐसा होता नहीं है कि रेट इतने फ्लक्चुएट करते हैं ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन, लेकिन हाउसिंग लोन में पर्टिकुलरली होता है कि अगर आपका फ्लोटिंग रेट है तो वो चेंजेस होने चाहिए, लेकिन क्योंकि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है तो ये अब यू नो अंटिल एटलीस्ट नेक्स्ट पॉलिसी यू नो जब तक आएगी नहीं तब तक आपका रेट बदलने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। ओके, अब ये समझना जरूरी है हर्षवर्धन कि एक लो इंटरेस्ट रिजीम का फायदा कहां पर मिल सकता है। अगर इस बार भी ब्याज दरें जस की तस रखी गई हैं, उसके पीछे एक कोई सपोर्टिंग फैक्टर तो होगा, बहुत सारे सपोर्टिंग फैक्टर है जिसका आपने भी जिक्र यहां पर किया, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए यानी आप और हमारे लिए, ग्राहक के लिए, इंडस्ट्री के लिए और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्या कम ब्याज दरों का रहना फायदेमंद है, और अगर फायदेमंद है तो किन किस किस हिसाब से? वेल इम्पैक्ट यू नो स्वाति, अगर हम ये पूरा इंटरेस्ट रेट का यू नो इम्पैक्ट समझें तो ये पूरा साइकिल है इम्पैक्ट। सो पहले हम शुरू करते हैं मान लीजिए बोरोवर्स के हिसाब से। तो बोरोवर्स जो है मान लीजिए होम लोन है, ऑटो लोन है या कोई भी तरह के लोन जो लेते हैं, उनको जितनी ब्याज दरें कम होगी उतना ही ब्याज उनको कम देना है, विच इज वेरी नेचुरल, एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें कोई हमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। सो अगर इंटरेस्ट रेट लो है तो आपको बोरो एक कम रेट में हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ना, RBI इसका जो मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरा साइकिल है, तो ये क्या है कि अगर आपने कम रेट है और आप बोरो कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि एक इंडिविजुअल है वो खर्चा ज्यादा करता है, मतलब घर जाके लेगा या खरीदेगा या गाड़ी खरीदेगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है। जब ये चीजें खरीदते हैं एक इकोनॉमिक साइकिल पूरा एक्टिवेट होता है। आप कुछ ज्यादा सामान बिक रहा है तो वो इंडस्ट्री ज्यादा मैन्युफैक्चर करने लगेगी, अगर ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रही है तो विच मींस उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यू नो केपेक्स करेंगे, तो एक पूरी इकोनॉमी अगर केपेक्स और यू नो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं मान लीजिए, तो जॉब्स नए क्रिएट होते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। तो लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो एक पूरे इकोनॉमिक साइकिल को ट्रिगर करता है। और अगर हम यू नो इंडिविजुअल बोरोवर्स का फायदा देखें तो ऑफकोर्स क्योंकि एक कम ब्याज दर पे उन्हें लोन मिल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप जब होम लोन या कोई भी EMI भरते हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट होता है। क्योंकि आपका ब्याज दर कम हो रहा है तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपे होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो आपका लोन टेन्योर कम हो सकता है। तो मान लीजिए आपने लोन लिया था ओरिजिनली 20 ईयर्स के लिए और उस समय ब्याज दर थी मान लीजिए 8% ब्याज दर थी आपके हाउसिंग लोन पे, आज की तारीख में जो ब्याज दर है वो करीबन 6.7-6.8% के पास है, और अगर आपका रीसेट होते होते भी अभी अगर 7 या 7.25 पे है, ओरिजिनली आपने हायर रेट पे लिया था तो आपकी EMI फिक्स हुई थी फॉर 20 ईयर्स, अब क्योंकि ब्याज दरें कम हो चुकी हैं और आप अगर उतना ही EMI भर रहे हैं तो आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो बढ़ गया और इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम हो गया, तो आप चाहें तो अपना लोन का टेन्योर कम कर सकते हैं। तो इस तरह से बोरोअर्स को फायदा कंटिन्यूसली मिलता है। एक जो यू नो सेगमेंट है पूरी सोसाइटी का जो सेवर्स हैं, जो फिक्स डिपॉजिट या कोई इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ऑफकोर्स ये बहुत ही यू नो खराब सिचुएशन होती है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर हम देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें, तो लोअर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और आप हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं जाके कंज्यूमर है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक हिस्सा है, तो अगर इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उसमें फायदा मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें डेवलप मार्केट्स में भी ब्याज दरें ऑलमोस्ट नेगेटिव या जीरो के लेवल पे है, फ्लैटिश या जीरो लेवल पे रहती हैं। सो सूनर लेटर डेवलप मार्केट्स में हाई इंटरेस्ट रेट नहीं सस्टेन कर पाएंगे, अगर ग्रोथ एक्टिविटी लेनी है तो इंटरेस्ट रेटों को नीचे कम होना जरूरी है।
अब कई ऐसे लोग हैं जो हमसे जानना भी चाह रहे हैं कि क्या बैंक एफडी में पैसे रखना अभी भी फायदे का सौदा है। हालांकि हम तो बैंक एफडी पर कई शोज कर चुके हैं, और अब स्पेशली जब हम आगे आने वाले अगली क्रेडिट पॉलिसी तक हमें मालूम है, जो कि शायद फरवरी में ही आएगी, उससे पहले अभी भी बैंक एफडी रेट्स उतने ज़्यादा आकर्षक नहीं है। तो ये सिंपल सवाल यही है कि क्या बैंक एफडी में निवेश अभी भी आकर्षक है? अगर हम देखें बैंक एफडी एक सेगमेंट हो गया जहां पे आपको 5 to 6, 6.5% के आसपास का ब्याज मिलता है। तो अगर हम उसे इंडिपेंडेंटली देखें कि आप मान लीजिए 6% आपको ब्याज मिल रहा है और वो टैक्सेबल होता है, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो नेट ऑफ इनकम टैक्स आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर प्योरली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते, और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं तो आपको जो पैसे की नो जो क्षमता है, पैसा जो खर्च या का नो जो चीज खरीद सकता है उसकी परचेसिंग पावर जो है वो कम होती रहती है। तो रियल सेंस में आपको कोई कमाई नहीं हो रही। मान लीजिए आप 5 या 4.5% कमा रहे हैं और इन्फ्लेशन जो दर है वो 6% या 7% के आसपास है, तो रियल सेंस में आपके पैसे ने कुछ भी नहीं कमाया है और आप एक्चुअली उसकी परचेसिंग पावर धीरे धीरे कम होती रहती है। तो फिक्स डिपॉजिट उस सेंस में कोई फायदेमंद वैसे नहीं है। अब क्या होगा कि आपका जो सवाल था कि क्या अभी फिक्स डिपॉजिट अभी भी अट्रैक्टिव है, वेल अगर जो सेवर हैं, जो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए उनको फिक्स डिपॉजिट और अगर वैसे ही कोई प्रोडक्ट समझ में आता है तो इन्हें दूसरे कोई ऑप्शन देखने होंगे जहां पे जो जैसे जैसे रिटायरीज अगर हैं तो उनको स्पेशल डिपॉजिट हैं जो सरकार इंट्रोड्यूस कर रखी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, आपके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, पोस्ट ऑफिस की या जो डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग्स है उनकी कई स्कीम्स हैं जिसमें ब्याज दरें आज भी बैंक से थोड़ा ज्यादा है। तो वहां पे आपको अपना रुख करना होगा। और एक दूसरा एलिमेंट और हर एक इन्वेस्टर को, जो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर है या प्राइमरीली डेट इन्वेस्टर है, उन्हें अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी क्वांटिटी में ग्रोथ एसेट्स को ऐड करना ही होगा ताकि ओवरऑल जो वेटेड एवरेज रिटर्न आपके पोर्टफोलियो का है उस पर आपको पॉजिटिव रिटर्न मिले। तो मान लीजिए आप 100 रुपया जमा कर रहे हैं हर्ष, तो 20 या वाकई 25 रुपए आपको। हाँ बिल्कुल, आपने मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा। थोड़ा सा मैं जो आपने अब तक बताया उसका एक क्रक्स निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बैंक एफडी में निवेश उतना आकर्षक इसलिए भी नहीं क्योंकि एक तो महंगाई दर के हिसाब से पोस्ट टैक्स रिटर्न उतना अट्रैक्टिव तो नहीं है, मतलब वो आपके शायद पैसों के साथ उतना फेयर जस्टिस नहीं करेगा अगर आप एक अच्छी ग्रोथ लॉन्गर टर्म के लिए चाहते हैं, स्पेशली लो इंटरेस्ट रिजीम में। हालांकि हमने एक और ट्रेंड देखना शुरू किया है हर्ष, यहाँ पर कुछ जो बैंक्स हैं उन्होंने अपनी डिपॉजिट दरें बढ़ाई भी हैं, तो ये जो एक बैंक की तरफ से एक इनिशिएटिव आ रहा है डिपॉजिट दर बढ़ोतरी का, क्योंकि एक बैंक करता है दूसरा भी करता है, उसको देखकर सारे बैंक करते हैं, तो इससे क्या संकेत एक ग्राहक और एक निवेशक ले? वेल सागर, मैं सही चीज कहा कि हमने देखा कि एचडीएफसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस जो है उन्होंने अपने जो ब्याज दर है डिपॉजिट की वो करीबन 10 to 30 basis points अभी बहुत रिसेंटली बढ़ाई है। सो एक ऑफकोर्स एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का आप एक एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आगे जाते हुए अगले क्वार्टर तक आप शायद देखें कि थोड़ी ब्याज दरें बढ़ सकती है। ये सिंपल है कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन अप हो रही है और जो जो हम बोरोइंग कैलेंडर या इंडस्ट्रीज का जो केपेक्स प्लान था वो ऐसे दिखते हैं दिखने में आएगा, और ये इंडिकेशन होता है कि ऑफटेक अच्छा है, विच मीन बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो लेंडर्स हैं, एनबीएफसी हैं, उनका क्रेडिट ऑफटेक अच्छा हो रहा है, विच मीन्स उनके लोन्स अभी और ज्यादा दिए जा रहे हैं। कंज्यूमर लोन्स हो सकते हैं, ऑटो होम लोन्स, ये इनकी इनकी लोन्स ज्यादा दिए जा रहे हैं मार्केट में, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है पैसे की वो बढ़ गई है, तो इसी के लिए वो ब्याज दरें बढ़ा के पैसा ले रहे हैं। तो दिस इज वन इंडिकेशन कि लिक्विडिटी सिचुएशन जो है वो थोड़ी नॉर्मलाइज होती जा रही है। बिल्कुल, और आपने बोला कि एफडी के अलावा भी कुछ ऐसे विकल्प हैं जहां पर आप अगर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में ही निवेश करना है तो कर सकते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन जिनका एक्चुअली काफी पैसा एफडी में पार्क रहता है, वो वहां पर निवेश के विकल्प तलाश सकते हैं। एक बार फिर से, आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसका आपके पोर्टफोलियो, आपके निवेश, आपकी ईएमआई पर क्या पड़ेगा असर, इस पर कर रहे हैं आज चर्चा। हर्षवर्धन रूंगटा हमारे साथ हैं।
हर्षवर्धन, एक छोटा सा रिकैप मैं इनफैक्ट आपसे चाहती हूँ। हमने बैंक एफडी की चर्चा की और बैंक एफडी में जो लोग पार्क पैसे करना चाहते हैं, पार्क कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर बैंक एफडी से निवेश के विकल्प कौन से हो सकते हैं? थोड़ा मैं आपसे क्विकली रिकैप इसका लेना चाहूंगी। अवर डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल सेविंग्स की जो डिपॉजिट रेट हैं, जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बहुत पॉपुलरली मानी जाती है, उसमें टर्म डिपॉजिट हैं आपके पास, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम है जो मंथली इनकम स्कीम है जो 6.6% आज की तारीख में भी ब्याज देती है, और जो बाकी हमने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए जो स्पेशल डिपॉजिट रेट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें 7.4% की ब्याज दर है, और प्रधानमंत्री वया वंदना योजना जिसमें भी 7.4% है, ये LIC के थ्रू ये पेंशन पॉलिसी है, इमीडिएट एनुइटी पॉलिसी है जो ले सकते हैं, उनका जो रिटर्न है 7.4% के आसपास है। इनमें लिमिट है, अपर कैप है कि आप 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और प्रधानमंत्री वया वंदना योजना में। ये इसी के लिए है क्योंकि ब्याज दरें स्पेशल डिपॉजिट रेट के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की गई है, तो एक लिमिट बना के दी गई है। पोस्ट ऑफिस MIS की अगर हम बात करें जिसमें 6.6% ब्याज है और ये हर मंथ आपको इंटरेस्ट के रूप में मिल जाता है, तो इसमें कैप है कि 4.5 लाख एक इंडिविजुअल कर सकते हैं, और अगर आप जॉइंट नेम पे कर रहे हैं तो 9 लाख तक कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप देखें तो ये एक ऑप्शन आपके पास रहते हैं बैंक के अलावा। और ऑब्वियसली आपके पास कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हैं, लेकिन कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो अच्छी कंपनीज हैं उन्हीं में पैसे लगाएं, जो AAA रेटेड हैं और जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि आपके पैसे उसमें अटक जाएंगे, तो ऐसी ही कंपनियों को दें जहां पे आपको पूरा भरोसा और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे और AAA रेटेड है। AAA रेटेड पेपर वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में ही पैसा लगाएं क्योंकि उनका डिफॉल्ट होने का खतरा कम होता है। यहाँ पर इक्विटी में निवेश या इक्विटी कैटेगरी में एसेट क्लास में अपना निवेश शिफ्ट किया जा सकता है डेट का थोड़ा पैसा, और वो कैटेगरीज कौन सी हो सकती है? वेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वाति, क्योंकि हम अभी तक ये बात करते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाने की हमारी टारगेट होना चाहिए कि जो भी हमारा रिटर्न मिले पूरे पोर्टफोलियो पे, मान लीजिए डेट पोर्टफोलियो है, इक्विटी है या हाइब्रिड प्रोडक्ट है, ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो नेट वेटेड एवरेज रिटर्न जो हमारे पूरे पैसों पे आता है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हो, तभी हम रियल सेंस में पैसे बना रहे हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी इक्विटी का अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। तो मान लीजिए 100 रुपए आपको जमा करने हैं, उसमें से आपको 15, 20 या 25 रुपए जो है, जो अराउंड 15-25% है, वो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं कि 3-5 साल के उपरांत आपको एवरेज रिटर्न जो मिलेगा वो इन्फ्लेशन से ज्यादा मिलने की उम्मीद बनती है। तो इसमें आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते ये कॉम्बिनेशन या एसेट एलोकेशन का जो रीबैलेंसिंग होते रहेगा, तो आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स एक कैटेगरी है जिसमें इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो करीबन 25% आसपास होता है। तो ये एक एक डेट इन्वेस्टर के लिए जो चाहता है कि मुझे रिटर्न्स जो है वो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा मिले, लेकिन उसके एवज में आपको थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना होगा, तो ऐसा अगर एक कॉम्बिनेशन बना के आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट है, बैलेंस्ड फंड है, तो ऐसा कोई भी फंड लें जिसमें थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी का हो। इक्विटी सेविंग्स फंड एक कैटेगरी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 25% या 30% तक आता है। तो जब आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो थोड़ा रिस्क डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में बढ़ता है, लेकिन आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कमाने की उम्मीद बन जाती है। और अल्टीमेटली कोई भी एक इन्वेस्टर है, उनकी इच्छा क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका टारगेट क्या होता है कि मेरे पैसे इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाए, और इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाना है अगर, तो थोड़ा ऐसे मॉडरेट कॉम्बिनेशन बना के आपका पोर्टफोलियो में ऐड करना ही होगा। बिल्कुल हर्ष, अब जो डेट फंड के निवेशक हमें देख रहे हैं उनके लिए आपको लगता है कि अभी कुछ डेट पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है? डेट में तो 16 कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरीज में उनको वाकई फायदा हो सकता है, कहाँ पर निवेश के लिए उनके मौके बन रहे हैं? अब अगर हम इंटरेस्ट रेट आउटलुक देखें तो बहुत ही अनसर्टेन है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो G-Sec बेंचमार्क जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसमें हमने पिछले 6 महीने में देखा कि इंटरेस्ट रेट थोड़े हायर साइड में जा रहे हैं, और अभी भी ये ऐसे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद आगे जाते हुए बढ़ सकते हैं।
सो डेट फंड्स की जो ये बॉन्ड मार्केट या यू नो इनकी जो एनएवीज होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी एनएवी घटेगी. सो हमारा ये मानना है कि एट दिस जंक्शन अगर अभी की हम बात करें तो लो ड्यूरेशन फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की जो कैटेगरी है ये यू नो ये बेस्ट सूटेड है. इनकी जो यू नो ड्यूरेशन है ये करीबन 1 ईयर से 3 ईयर के बीच का रहेगा. सो एट दिस जंक्शन क्योंकि इंटरेस्ट रेट आउटलुक इतना अनसर्टन है आपका लो ड्यूरेशन फंड से शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये शॉर्ट टर्म फंड इस कैटेगरी में पैसे लगा के रखें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा. अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं जो मीडियम या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लेते हैं अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़ता है तो उसमें आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है. तो ये कैटेगरी ठीक है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको क्लियर टाइम होराइजन है. वो जानते हैं कि मुझे 5 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है या 10 साल तक पैसों की जरूरत नहीं है. तो ऐसे इन्वेस्टर्स एक टारगेट मैच्योरिटी फंड एक कैटेगरी है जो एक यू नो रिफाइंड वर्जन ऑफ फिक्स मैच्योरिटी प्लान पहले एफएमपी जो आते थे उसका एक थोड़ा और लिबरलाइज वर्जन है जो टारगेट मैच्योरिटी फंड है जिनमें आप एग्जिट भी कर सकते हैं. ऑन द डे ऑफ एग्जिट जो एप्लीकेबल एनएवी होगी वो आपको मिलेगी. लेकिन उसमें एक यू नो काइंड ऑफ एन इंडिकेटिव यील्ड पता होता है कि अगर आपने मैच्योरिटी तक रुके तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा. और क्योंकि इसमें यू नो 3 ईयर्स के ऊपर आपका होल्डिंग पीरियड होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जिसमें आपको इंडेक्सेशन के साथ में जो टैक्स भरना होता है 20% जो टैक्स भरना होता है उसका इफेक्टिव जो इम्पैक्ट है वो आपकी फिक्स डिपॉजिट जो इंटरेस्ट आता है उससे कम होता है. दूसरा एक ऑप्शन है जो भारत बॉन्ड ETF है. यू नो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अच्छी PSUs के जो बॉन्ड है उसका एक पूरा बास्केट है और उसकी मेच्योरिटी भी है जिसमें आपके पास 5-10 साल की ऑप्शन है और उसमें जो रिटर्न है वो भी आज की तारीख में 6.8% के आसपास है. सो जो फिक्स्ड रिटर्न यू नो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि भाई हमें इक्विटी में करना ही नहीं है लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए सो ऐसे कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है. NCDs एक ऑप्शन है जो कंसिडर भी कर सकते हैं. ओके तो डेट पोर्टफोलियो में कैसे आपको बदलाव की जरूरत है, कहां पर करने की जरूरत है और कहां पर इस वक्त लो इंटरेस्ट के दौर में आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन आप हमारे साथ शो में शामिल हुए उसके लिए धन्यवाद. मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही.